तो माय डियर फ्रेंड, जैसे आपका बेसब्री से इंतजार था कि बीएसटी का सफर पढ़ाएं, तो मैं इसमें आपके लिए टॉपिक लाया हूँ बीएसटी का, जो है बिजनेस स्टडी क्लास 12 के जो है ये टॉपिक मैं लाया हूँ। बेसिकली बहुत ही इजी चैप्टर है और आपको इजीली वो समझ में आ जाएगा, है ना। तो अभी शुरू करते हैं बीएसटी जो है आपका नया टॉपिक। तो एक्चुअली होता क्या है, फाइनेंशियल मार्केट। देखिए मार्केट आपने बहुत देखे, आपका पापा मम्मी आप भी जाते होंगे, बहुत सारे मार्केट में जाते होंगे, कितने भाई सब्जी खरीदने के लिए, है ना। तो मार्केट क्या होता है, द प्लेस वेयर बायर और सेलर कम टुगेदर फॉर परचेज द वेजिटेबल, तो उसको बोलते हैं भाई वेजिटेबल मार्केट। तो सिमिलरली जहाँ पर जो है फाइनेंशियल एसेट खरीदा और बेचा जाता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। द प्लेस वेयर न्यू और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आर बॉट एंड सोल्ड। द प्लेस, इट इज़ अ प्लेस वेयर न्यू और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी और फाइनेंशियल एसेट आर ट्रेड, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। समझ में आया। और दो है कि पर्पस क्या, हर एक चीज़ का पर्पस होता है भाई। सब आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, देर इज सम पर्पस। तो स्कूल आप क्यों जाते हो, देर इज सम पर्पस। खाना क्यों खाते हो, देर इज सम पर्पस। तो पर्पस आपको क्लियर होना चाहिए। तो सिंपल बात है भाई, आप फाइनेंशियल मार्केट जो है इसका भी बना होगा कोई पर्पस होगा भाई। सो क्या पर्पस है फाइनेंशियल मार्केट का, है ना। सो फाइनेंशियल मार्केट क्या है, देखिए सपोज आप देखिए, ये आपका हाउस होल्ड देखिए सिंपल बात है, ये आपका पापा है फॉर एग्जांपल, है ना। उनको सैलरी 10,000 रुपीज़ मिलता है, कितना 10,000 रुपीज़ मिलता है। वो क्या करते हैं, 7,000 में घर चलाते हैं, बाकी 3,000 जो है वो अपना सेविंग करते हैं। उसको क्या करते हैं, जाके आप कहाँ रख दिए, बैंक पे रख दिए, है ना। बैंक है, बैंक वो क्या करता है, जब कंपनी को पैसा ज़रूरत होता है तो सपोज टाटा कंपनी है, क्या है, टाटा कंपनी को ज़रूरत होता है तो बैंक से वो पैसा लेता है, है ना। बैंक से वो पैसा लेता है और उसे कोई प्रोडक्ट बनाता है, सपोज वो बनाया कोई एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट, मोबाइल बनाया, कुछ भी चीज़ बनाया, नमक बनाया, चाय बनाया, आप पिए खाए जो भी है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो फाइनेंशियल मार्केट यही है भाई, जो हाउस होल्ड जो आपका पापा है मम्मी जो पैसा सेविंग करते हैं वो बैंक में रखते हैं, उसको बोलते हैं हाउस होल्ड। तो फाइनेंशियल मार्केट है क्या भाई, फाइनेंशियल मार्केट की इट इज ए सब द इंटरमीडियरी। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या, ए इंटरमीडियरी होता है, ए बिचौला होता है, जो कि आपका जो है हाउस होल्ड जो है अपना सरप्लस को जो है कहाँ पर देता है भाई, बिजनेस फर्म को देता है थ्रू बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। सो इट फाइनेंशियल मार्केट इज ए प्लेस वेयर द हाउस होल्ड पर्सन आर देयर एक्सेस मनी आर सेव्ड इन द बैंक, व्हेन द बैंक इज गिविंग दैट मनी और द फर्म दे नीड द मनी फ्रॉम द बैंक दे टेक अवे, ठीक है। सो ये होता है फाइनेंशियल मार्केट। देन क्या फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का, क्या क्या फंक्शन है भाई, बहुत सारे फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन है, हम लोग उसको एक एक करके देखते हैं। तो फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इट परफॉर्म द एलोकेशन ऑफ फंड, सबसे पहले क्या करता है भाई, फंड को एलोकेट करता है। सो एलोकेशन ऑफ फंड मतलब क्या, एलोकेटिव फंड्स मतलब वही एलोकेशन होता है, मतलब डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, है ना। मोबिलाइज द सेविंग भी, आपका पास जो है 10,000 रुपये आप सेविंग किए पापा, उसमें से घर के लिए खर्चा किए और कुछ सेविंग किए बैंक में और कुछ आपके लिए पढ़ाई के लिए खर्चा किए, तो आपका जो है एक्सेस पैसा जो है वो आप बैंक में सेव किए। हो सकता है कोई दूसरा आदमी 10,000 से 7,000 मिला, उसमें से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, कोई लैंड के लिए पैसा रखा ज़मीन खरीदने के लिए और कोई जो है सेविंग पे रखा, तो अपना जो पैसा है सेविंग है उसको बहुत पर्पज़ से आप यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ कॉल्ड हाउस होल्ड यूज़ कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड मोबिलाइजेशन ऑफ फंड। देन इट फेल फॉर डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द फाइनेंशियल एसेट, भाई जो प्राइस है डिमांड एंड सप्लाई। देखिए जहाँ पर टमाटर फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट गए, जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा प्राइस कम हो जाएगा, जब प्राइस डिमांड कम हो जाएगा, क्यों, प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो हो सकता है,
में डिमांड ज़्यादा है, मतलब सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस कम हो जाएगा, सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ जाएगा। सो डिमांड एंड सप्लाई का जो है ये चक्कर है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट द प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंडस्ट्री ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू द डिमांड एंड फोर्स एनालिसिस। नेक्स्ट इज प्रोवाइड द फैसिलिटी लिक्विडिटी ऑफ द एसेट। भाई जो एसेट इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली, उसको बोलते हैं लिक्विड एसेट। आपके पास जमीन है, आपके पास घर है, क्या तुरंत आप बेच के पैसा कमा सकते हो? नहीं, बट आपका फाइनेंशियल एसेट है, भाई शेयर है, बेच के तुरंत पैसा कमा सकते हो, दो दिन में सेटल हो जाएगा, है ना। सो इट प्रोवाइड द लिक्विडिटी, है ना, इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। देन प्रोवाइड कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सचेंज। भाई मार्केट है, खरीदने वाला भी है, बेचने वाला भी है, एक जगह आया, उन लोगों का टाइम मनी दोनों सेव हुआ। सो जनरली इट इज अ गिव द प्लेटफॉर्म टू द बायर और द सेलर वेयर हाउस होल्ड और द यू कैन से द बिजनेस मैन और बिजनेस दे कैन कम टुगेदर एंड शेयर देयर प्रोडक्ट। कोई बेचने वाला था, कोई खरीदने वाला था। देन फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, और क्या क्या जिसको बोला जाता है इंटरमीडिएशन, मतलब होता है क्या होता है भाई, इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन इज द रेफर द प्रोसेस थ्रू एलोकेशन ऑफ फंड इज डन। जो प्रोसेस से एलोकेशन ऑफ फंड होता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएशन, है ना। और एक्सचेंज हाउस होल्ड सेक्टर थ्रू द मैन बैंक और फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। नेक्स्ट हो गया टाइप और सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो दो टाइप होता है, टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आर डिवाइडेड टू पर, एक हो गया कैपिटल मार्केट, दूसरा हो गया मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। सो नेक्स्ट हो गया व्हाट इज कैपिटल मार्केट। तो होता क्या भाई कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट रेफर्ड द फैसिलिटी इंस्टीट्यूशन अरेंज थ्रू हुई लॉन्ग टर्म फंड। जब कंपनी को पैसा जरूरत होता है ना, शेयर इशू करता है कंपनी, डिबेंचर इशू करता है, बॉन्ड इशू करता है, क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म पैसा उसको चाहिए। तो कैपिटल मार्केट रेफर्ड द फैसिलिटी हुआ इंस्टीट्यूशन अरेंज द फंड बोथ द डेप्ट और इक्विटी थ्रू राइजिंग इन्वेस्टमेंट। और इट इज ए टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये क्या है फाइनेंशियल मार्केट है। देन आपका हो गया फ्यूचर ऑफ कैपिटल मार्केट, व्हाट आर द डिफरेंट फ्यूचर ऑफ कैपिटल मार्केट, क्या क्या है, बहुत सारे फ्यूचर ऑफ कैपिटल मार्केट है। सो इट इज ए मेक मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म। तो सिंपल बात है, आपको लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए कहाँ जाओगे भाई, कैपिटल मार्केट जाओगे, शॉर्ट टर्म चाहिए मनी मार्केट जाओगे। हम देखें डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट मेन पार्टिसिपेट कौन भाई कैपिटल मार्केट, भाई द कॉरपोरेट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, फॉरेन इन्वेस्टर, रिटेलर, ये सब जो है फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट का जो है ये मेन पार्टिसिपेट है। देन सिंस द कॉस्ट ऑफ द सिक्योरिटी लो, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कैपिटल इज लेस कैपिटल। मीन्स देखिए कोई भी सिक्योरिटी 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया भी कंपनी का जो है शेयर हो सकता है। सो सिंस द अमाउंट इज लेस, एनी वन कैन इन्वेस्ट इन द कैपिटल में। आप जो है कि 10 रुपये से भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, 1 लाख भी, 1 करोड़ भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट सिक्योरिटी ऑफ द कैपिटल मार्केट एंजॉय गुड लिक्विडिटी। सिंपल बात, इट लिक्विडेट इजीली हो जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट हाई रिस्क, सबसे बड़ा हाई रिस्क है भाई, रिस्क इन्वेस्ट इन। तो आप लोग बोलता है भाई आप जो है शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे तो इट इज द योर ओन रिस्क, है ना। सो इट इज अ रिस्की बिजनेस। बैंक में रखोगे, FD कर दोगे, 8% फिक्स मिलेगा आपको इंटरेस्ट, 6% मिलेगा, बट शेयर मार्केट जो है नॉलेज नहीं है, पैसा डूब सकता है। सो इट इज अ रिस्की वन। देन मेन इंस्ट्रूमेंट्स इन कैपिटल मार्केट, भाई दीज आर द सम ऑफ द मेन इंस्ट्रूमेंट कैपिटल मार्केट, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर एंड बॉन्ड। सो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, इसके बारे में मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी अकाउंटिंग क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सो इक्विटी शेयर अगर मैं ऐसे बोला जाए तो एक जो है इट इज स्मॉल पार्ट ऑफ द कैपिटल, मीन्स टोटल कैपिटल है डिवाइडेड इंटू स्मॉल पार्ट, दैट इज कॉल्ड इक्विटी कैपिटल। और प्रीफरेंस शेयर क्या होता है, प्रीफरेंस शेयर को शेयर्स को जो है और शेयर होल्डर को जो है प्रीफरेंस राइट मिलता है, प्रीफरेंस राइट मिलता है जब कंपनी लिक्विडेशन होता है, पहला प्रायोरिटी उसको मिलता है, देन इक्विटी शेयर को मिलता है। डिवेंचर जो है इशू ऑफ शेयर कैपिटल का जो है इस तरह का जो है डॉक्यूमेंट होता है, देन बॉन्ड,
है ना। सो दीज आर द सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। देन टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट, भाई सेगमेंट दो है, प्राइमरी मार्केट एंड टेक्निकल कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, है ना। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, दो तरह के मार्केट होता है। देन कैपिटल मार्केट कौन कौन रहता है जनरली, भाई डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, और एक होता है सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो मेन प्लेयर्स ऑफ द कैपिटल मार्केट, है ना। तो ये हमने बताया कि कैपिटल मार्केट क्या होता है, मैंने आपको बताया सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट क्या होता है, मैंने डिटेल आपको समझाया। देन प्राइमरी मार्केट, व्हाट इज प्राइमरी मार्केट। सो प्राइमरी मार्केट होता क्या भाई, प्राइमरी मार्केट ऑल्सो नोन एज द मार्केट वेयर सिक्योरिटी आर इशू फर्स्ट टाइम बाय द कंपनी थ्रू द मार्केट। जब कंपनी पहली बार, कंपनी जब पहली बार इशू करता है शेयर मार्केट में, उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इज द सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। कंपनी पहली बार इशू कर रहा है शेयर, IPO ला रहा है कंपनी पहली बार, LIC पहले LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है पहली बार IPO लाया था, मीन फर्स्ट टाइम कंपनी जो है मार्केट में अपना शेयर छोड़ता है, है ना। दैट इज कॉल्ड योर प्राइमरी मार्केट। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर ऑफ प्राइमरी मार्केट। तो सिंपल बात है, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर ऑफ प्राइमरी मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम रिलेटेड एग्जाम में आ जाता है, आप केस स्टडी में भी आप इसको लिख सकते हो। सो सबसे पहले इट इज़ द न्यू इशू ऑफ शेयर। सो पहला फीचर क्या है हमारा, न्यू इशू ऑफ शेयर, ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटी आर टेकिंग प्लेस। भाई यहाँ खाली खरीदा जाता है, बेचा नहीं जाता है। प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी आर डिटरमाइंड बाय द कंपनी। कौन प्राइस फिक्स करता है भाई, कंपनी फिक्स करता है, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 1,00,000 रुपया, कुछ भी जो है शेयर प्राइस जो है फिक्स बाय द कंपनी ओनली। द इन्वॉल्वमेंट डीलिंग बिटवीन द कंपनी एंड इन्वेस्टर, दो आदमी इसमें डीलिंग होता है, एक कंपनी इशू कंपनी एंड द इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट इन द मनी इन द कंपनी। देन लोकेशन इज फिक्स, प्राइमरी मार्केट में लोकेशन जो है नो फिक्स, मीन्स लोकेशन फिक्स्ड नहीं है, है ना। कोई भी कहीं पर भी शेयर इशू, कोई कंपनी भी शेयर इशू कर सकता है ना। बट सेकेंडरी मार्केट में फिक्स है लोकेशन, फिक्स कहाँ, स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्राइमरी मार्केट, भाई शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, है ना, ये सब जो है प्राइमरी जो है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जो है प्राइमरी मार्केट है। देन व्हाट इज द मेथड ऑफ इशू ऑफ प्राइमरी मार्केट। सो क्या क्या मेथड है प्राइमरी मार्केट में इशू करना, भाई ऑफर पर सेल, मेथड ऑफ इशू ऑफ मार्केट क्या क्या है, थ्रू प्रोस्पेक्टस, थ्रू प्रोस्पेक्टस, थ्रू ऑफर ऑफ सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, EIPO एंड राइट इशू। सो दीज आर द मेथड वेयर कंपनी कैन इशू द शेयर फर्स्ट टाइम। तो ऑफर प्रोस्पेक्टस क्या है, देखिए आप स्कूल में पढ़ते हो गए उसका प्रोस्पेक्टस होगा, कंपनी में जाते हो तो उसका ही प्रोस्पेक्टस होता है ना, कोई भी यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस होता है। डिटेल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, क्या कोर्स ऑफर कर रहे हैं, कितना ड्यूरेशन है, क्या कब कब एडमिशन होगा, क्या क्या एग्जाम होगा, डिटेल रहता है। तो कंपनी जब शेयर इशू करता है, डायरेक्टर के बारे में, बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल रहता है, दैट इज प्रोस्पेक्टस, इट इज़ वन ऑफ द बुकलेट ऑफ द कंपनी, समझ में। सो कंपनी कैन इशू द पब्लिक एंड इशू शेयर थ्रू द प्रोस्पेक्टस। देन ऑफर ऑफ सेल, ऑफर ऑफ सेल होता क्या, कंपनी अप्रोच द मेंबर देन पब्लिक थ्रू द इंटरमीडिएटरी इशू ऑफ हाउस और शेयर ब्रोकर, भाई स्टॉक ब्रोकर का थ्रू में कंपनी जब इशू करता है, दैट इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल, कंपनी ऑफर करता है। नेक्स्ट, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट प्लेसमेंट, भाई आप सिलेक्टेड गिना चुना आदमी को आप शेयर देते हो, मीन्स सपोज आपके दुकान वाला हो तो भाई वही आदमी को दोगे पैसा, मैंने सामान में उधारी दोगे या सामान दोगे जिसको आप जानते हो। सिमिलरली कंपनी ऑल्सो इशू ए शेयर टू पर्टिकुलर नोन पर्सन, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। देन IPO मतलब क्या, EIPO मतलब इशू ऑफ सिक्योरिटी थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड, मीन्स ऑल द प्रोसेस आर थ्रू परचेज एंड सिक्योरिटी आर बाय द इन्वेस्टर बाय द कंपनी थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड। देन राइट इशू मतलब क्या है, भाई राइट का मतलब समझ में आ रहा हो कि आपके पास स्पेशल राइट्स है, क्या राइट्स है भाई, शेयर खरीदने का, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है दे आर गेटिंग द फर्स्ट राइट फॉर परचेजिंग ऑफ शेयर्स। तो कंपनी पहले उसी को इशू करता है शेयर
जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है उसको बोलते हैं राइट इशू। राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैव द फर्स्ट राइट टू रिसीव द शेयर ऑफ द कंपनी। सो ये हो गया मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ द प्राइमरी मार्केट। देन हम लोग देखेंगे सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या भाई? सेकेंडरी मार्केट इट इज ए प्लेस वेयर एग्जिस्टिंग और ओल्ड सिक्योरिटी आर ट्रेडेड। मीन्स मार्केट ऑफ ओल्ड और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। सो क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट इट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। एक कैपिटल मार्केट का पार्ट है। देन हो गया फीचर ऑफ सेकेंडरी मार्केट। भाई क्या क्या फीचर है? पहला क्या है? इट इज ए एग्जिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। मीन्स जहाँ पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी डील होता है, इट इज ए मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, जहाँ पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी खरीदा बेचा जाता है। द प्लेस वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आर परचेज एंड सोल्ड, बोथ द बायर एंड सेलिंग सेलर आर सिक्योरिटी आर टेक प्लेस। भाई यहाँ खरीदा बेचा दोनों जाता है, बट प्राइमरी मार्केट में क्या? ओनली बेचा जाता है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी डिटरमाइन बाय द डिमांड एंड सप्लाई। भाई डिमांड एंड सप्लाई का खेला है, ज़्यादा डिमांड होगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम होगा प्राइस घट जाएगा। सो प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी डिटरमाइन बाय द डिमांड एंड सप्लाई। देन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व द डीलिंग ऑफ टू इन्वेस्टर। भाई दो इन्वेस्टर के बारे में डील होता है, एक बेचता है एक खरीदता है, दो पर्सन, टू पर्सन आर डीलिंग इन द। देन स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्टिंग इन द फिक्स्ड लोकेशन। भाई जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो दो पर्सन है इन्वेस्टर है, किसके द्वारा करते हैं? हाउ? थ्रू द ब्रोकर, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जो है द प्लेटफॉर्म वेयर शेयर्स आर ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, फीचर्स क्या होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मनी मार्केट क्या होता है, व्हाट इज मनी मार्केट, फीचर ऑफ मनी मार्केट। तो आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। अगर अच्छा लगे तो कमेंट उसे कमेंट लिखिए, और नहीं समझ में आया तब भी कमेंट लिखिए। और मेरे वीडियो जो फ्री क्लासेस ऑफर होगा, आप मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो जोड़ सकते हैं 7482888824, एक ग्रुप पे भी जो जुड़ सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है या ऑनलाइन क्लासेस चाहिए CA CMA CS BST का कुछ फ्री क्लासेस है ना, ऑफर है, आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, आप देख सकते हो मेरा ऑनलाइन वीडियो को जो है, क्या यही चैनल है आपका। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।